आज जो बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, किस तरह की तस्वीर निकल रही है और क्या होगा केशव प्रसाद मौर्य का? योगी का नाम तो खैर मुख्यमंत्री के लिए तय ही है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक। योगी की दूसरी पारी के मंत्रियों का नाम तय। अमित शाह का फॉर्मूला, योगी का मंत्रिमंडल। बीते छह दिनों में यह दूसरा मौका है जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। पहली बार शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, इस बार मंत्रिमंडल को लेकर अहम बैठक करने पहुंचे। मीटिंग में बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ साथ उत्तर प्रदेश संगठन के नेता मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि यूपी के चुनाव के बाद सरकार गठन की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। अमित शाह के साथ साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सरल शब्दों में इसे समझें तो मतलब यही है कि 2024 की चुनावी पिच पर टीम योगी की रूपरेखा अमित शाह तय करेंगे, यानी बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाएगी। पहला टीम योगी का चयन और दूसरा लक्ष्य 2024। ऐसा क्यों? इसे 10 मार्च को मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी की व्याख्या से समझ सकते हैं। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मोदी ने बीजेपी की लाइन क्लियर कर दी, अब उसी लाइन पर आगे का रोड मैप तय किया जा रहा है। 2022 में दोबारा जीत हासिल करके बीजेपी ने यूपी की राजनीति का इतिहास बदल दिया है। बीजेपी ने 41% वोट शेयर के साथ 255 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी ने 32% वोट शेयर के साथ 111 सीटें। बीएसपी को 13% वोट मिला और सिर्फ एक सीट। वहीं कांग्रेस को 2% वोट मिला और सिर्फ 2 सीटें जीती। यानी योगी के चेहरे पर लड़ी गई सियासी लड़ाई बड़ी है। यूपी में बीजेपी को मिली जीत बड़ी है तो दूसरी इनिंग में जिम्मेदारी भी बड़ी है। ये बात मोदी और योगी की जोड़ी को पता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। लखनऊ में योगी जीत की होली मना चुके हैं, अब दिल्ली में अपनी टीम पर मुहर लगवाने पहुंचे। सूत्रों से मिली डिटेल के मुताबिक मीटिंग में नई सरकार में शामिल होने वाले चेहरों के साथ साथ अगले 100 दिनों के एक्शन का रोड मैप करीब करीब तैयार हो गया। पॉइंट नंबर 1, पुराने चेहरों को रिपीट करने पर मुहर लगी। पॉइंट नंबर 2, नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा हुई। पॉइंट नंबर 3, सहयोगियों को हिस्सेदारी का फॉर्मूला निकला।
पॉइंट नंबर 4 घोषणा पत्र के मुद्दों को पूरा करने का रोडमैप। लखनऊ की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि इस बार योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल कैसा होने जा रहा है। तो जान लीजिए, इस बार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी छाप भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं यह भी दिखेगा। जातियों का संतुलन साधा जाएगा, क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा और सबसे अहम यह होगा कि इस बार किसी तरह के दागी मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे। तकरीबन 1.5 दर्जन मंत्रियों के पद खाली हुए हैं क्योंकि 11 मंत्री इस बार चुनाव हार गए हैं और कई लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में नए और चर्चित चेहरे आपको योगी मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी टीम के कैप्टन योगी आदित्यनाथ होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कैप्टन योगी की टीम में कौन कौन शामिल होगा और कौन उपकप्तान होगा, कौन ओपनिंग बल्लेबाज और कौन टॉप बॉलर होगा, इसे लेकर लोगों में सस्पेंस बढ़ा है। बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है, यानी अमित शाह कोच की भूमिका में है और यूपी बीजेपी टीम की ताकत और कमजोरी दोनों से वाकिफ है। ये भी सब जानते हैं कि अमित शाह की रणनीति पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीत का चौका लगाया है। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैप्टन योगी की अगुवाई में सियासी मैदान पर उतरने जा रही टीम में कई चेहरे चौंकाने वाले हो सकते हैं, यानी अमित शाह यूपी बीजेपी को कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार कई बड़े नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है तो पार्टी संगठन के कई नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और तो और, बीजेपी जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर यूपी में एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही है, उसकी झलक भी नई टीम में दिखेगी। वहीं टीम योगी में निषाद पार्टी और अपना दल के किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा ये तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। दिल्ली से मांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।